टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में चीनी का उत्पादन और निर्यात दोनों ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 15 मई तक के आंकड़ों के अनुसार इस चीनी वर्ष में चीनी का उत्पादन 14% तक बढ़कर कुल 348.83 लाख टन पर पहुंच गया है, जबकि देश में अब भी 116 चीनी मिलें उत्पादन में जुटी हैं। विदेशों की अच्छी मांग के कारण चीनी का निर्यात भी 64% बढ़ा है। चीनी निर्यात का आंकड़ा 17 लाख टन तक पहुँच गया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा ने यह आंकड़े जारी किए हैं। एसोसिएशन ने कहा है कि अधिक गन्ना उत्पादन के कारण इस चीनी वर्ष जो अक्टूबर से शुरू हुआ था इसमें उत्पादन बढ़ा है। वहीं 15 मई तक देश की 405 चीनी मिलें पेराई बंद कर चुकी हैं। बीते वर्ष से तुलना की जाए तो इस समय तक देश में 461 मिलें पेराई बंद कर चुकी थी और सिर्फ 45 मिलें ही उत्पादन कर रही थी। चालू सीजन में कुल 521 मिलों का संचालन हुआ, जबकि बीते वर्ष 506 मिलों ने उत्पादन किया था। इंदौर बाजार में चीनी में मांग कमजोर है और आवक बराबर बनी होने के कारण चीनी का स्टॉक बाजार में बढ़ता जा रहा है, जिससे चीनी में मंदी रही। चीनी नीचे में 3560 तो ऊपर में 3600 रुपए क्विंटल तक बोली गई। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।